एपिसोड की शुरुआत में हम सायर को देखते हैं, जो उसी जगह पर खड़े होते हैं जहां वो हाउचेन से पहली बार मिली थी। दूसरी तरफ हाउचेन भी वहां आ रहा होता है और सायर को महसूस हो जाता है कि हाउचेन आ रहा है। तभी हाउचेन सायर को देखता है और दौड़कर उसके पास आता है, तो उसे देखकर सायर बोलती है, हाउचेन यह तुम हो? तभी हाउचेन बोलता है, हाँ हम दोनों फिर से मिल गए। तभी सायर कहती है, क्या तुम दोबारा से मुझे घर छोड़ दोगे? हाउचेन बोलता है हाँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सायर की बॉडीगार्ड्स को देखते हैं और वो हाउचेन को सायर के साथ इतने करीब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मिस सायर ने इस लड़के से मिलने के लिए 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, और तो और यह सायर का हाथ भी पकड़ रखा है। यह सब देखकर उनको इतना गुस्सा आ रहा है और वो अपनी वेपन को निकाल लेता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे दूसरा लड़का रुकता है और उन दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हाउचेन सायर का हाथ पकड़ कर उसको ले जा रहा होता है। तभी सायर रुक कर बोलते हैं, यह काफी अच्छी स्मेल है। हाउचेन बोलता है, स्मेल? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। तभी सायर बोलती हैं, वो उस तरफ से आ रही है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं सायर और हाउचेन जा रहे होते हैं। तभी सायर बोलती हैं, यह एक पेड़ की स्मेल है। हाउचेन बोलता है, ऐसा क्या? मुझे तो किसी और का स्मेल आ रही है, और बाकी के फ्रूट को कुछ स्मेल करना बहुत ही मुश्किल है। सायर रुक कर बोलती है, इसको महसूस करना है तो तुम्हें आंखें बंद करना होगी। हाउचेन बोलता है, ऐसा है तो मैं ट्राई करूंगा, और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और सायर का हाथ पकड़ कर अपनी आंखों पर रख देता है और स्मेल करने की कोशिश करता है, और सायर इसे प्यार से देख रही होती है। तभी हाउचेन को एप्पल की स्मेल आती है और यह स्मेल उसको काफी अच्छी लगती है और वो उस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। तभी सायर उसके हाथ पकड़ कर वहां से आगे जाने लगती है। उसे बोलती है, इस तरह की यह पर्पल कलर की बाल है, वो इसकी स्मेल है। तो वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो हाउचेन बोलता है, क्या उस तरफ इस तरह की स्मेल है? सायर बोलते हैं, नहीं, वो किसी और का स्मेल है। तो वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तभी हाउचेन सोच रहा होता है, तो यह है वो वर्ल्ड, इसे सायर अपनी आंखों से देखते हैं और फिर वो दोनों दोबारा से अपनी प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं। उन दोनों को ऐसा देख सायर की बॉडीगार्ड बोलते हैं, यह दोनों क्या कर रहे हैं? कई यह दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते? फिर वो बोलता है, यह हमारी मिस सायर का लाइप नहीं है। और उन सबको काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़का एक चाकू को हाउचेन की तरफ फेंकता है, जिसे देख बाकी सब चौंक जाते हैं। और तभी सायर उस चाकू को पकड़कर उसी तरफ फेंक देते हैं और हाउचेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। तभी हाउचेन अपनी आंखें खोलता है और दूसरी तरफ सायर के बॉडीगार्ड पागलों की तरह हरकतें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हाउचेन सायर हाथ पकड़कर आगे जा रहा होता है, तो सायर बोलते हैं, मैं पहुंच गई हूं। तो हाउचेन बोलता है, इतनी जल्दी? मेरे मतलब तुम्हारे साथ वक्त काफी जल्दी गुजरता है और तुम काफी जल्दी ही जा रही हो। तो सायर बोलते हैं, हाँ। हाउचेन बोलता है, तुम थोड़ी धीरे भी जा सकते हो। दोबारा से हाउचेन बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और दूसरी तरफ सायर के बॉडीगार्ड, तो क्या मतलब था? हाउचेन सायर से बोलता है, मेरा मतलब ना तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ।